लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे, असली तकलीफ है। गाना गाकर तंज कस रहे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर कांग्रेस है। दरअसल महंगाई और बेरोजगारी पर शुक्रवार को कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को देश भर में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। ऐसे में बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। इसी कड़ी में अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की असली तकलीफ ये है कि लागत चुनरी पे दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे, और क्या कुछ बोले हैं आप खुद सुनिए। असली तकलीफ ये है कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे, असली तकलीफ ये है। और उस तकलीफ के कारण कभी ये सत्याग्रह का सहारा लेते हैं ईडी पर दबाव डालने के लिए। सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने किया था, पर उन्होंने कभी भी चोरी और ठगी के लिए सत्याग्रह नहीं किया। और कभी जो कांग्रेसी कांग्रेस जन हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते थे, काली करतूतों से जो उनके वस्त्र काले हो गए, तो काले कपड़े डालकर जनता के मांगों की आड़ में ईडी पर दबाव डालना चाहते हैं। अगर ये साफ पाक हैं तो डरने की जरूरत क्या है। आप जाइए अपनी बात कहिए ईडी के सामने, अगर कुछ गलत होगा तो देश की अदालतें खुली हुई है। अगर आपको देश के प्रजातंत्र पर भरोसा है, देश के प्रजातंत्र पर विश्वास है, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी देश में ऐसा प्रजातंत्र बनाना चाहते हैं कि अगर ईडी नोटिस दे तो काले कपड़े डाल के प्रदर्शन कर दो तो उसका नोटिस विड्रॉ हो जाए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज अपने बेबाक अंदाज और बयानों के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, अनिल विज विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में मौका था तो अनिल विज ने कांग्रेस पर करारा वार कर दिया। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बच जाऊं कैसे, असली तकलीफ है।